बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फन एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सैमसंग B360E में अपने नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी आपके वो नंबर्स जो आपको बार बार तंग करते हैं आप उनको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस नंबर को आपने ब्लॉक करना है आप उस नंबर पर आ जाइए। जैसे यहाँ लॉक्स में मेरा ये नंबर पड़ा हुआ है, मैं इस पर आता हूँ। इस पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन अपीयर होगी जिसमें आपके सामने कॉल्स, सेंड मैसेजेस, लीट, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सातवीं ऑप्शन है ऐड टू रिजेक्ट लिस्ट, आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ये नंबर अब ब्लॉक हो चुका है, अब आपको इस नंबर की जानिब से कोई कॉल रिसीव नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स पर आइए। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स में हमारा सातवां ऑप्शन है कॉल का, आप कॉल पर आ जाइए, देन इसको सेलेक्ट कीजिए और ऑल कॉल्स पर आ जाइए, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। देन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरी ऑप्शन है ऑटो रिजेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक तो हमारे ऑन है, आप इसको ऑफ़ कर लेंगे, इसको प्रेस करके ऑफ़ करेंगे। देन फ्रेंड्स, अगर आप कोई मैनुअली एक नंबर को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं और आप इसको ऑन रखना चाहते हैं रिजेक्ट लिस्ट को, तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिजेक्ट लिस्ट पर आ जाइए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमने जो नंबर यहाँ पर ऐड किया था वो आपको दिखाई दे रहा है। आप ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप क्रिएट पर क्लिक करके यहाँ से आप नंबर को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सेम लॉक्स में से या फिर कॉन्टैक्ट में से कोई भी नंबर यहां से ऐड कर सकते हैं और यहां पर आप सेव पर क्लिक करके उस नंबर को आप रिजेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।